हाय दोस्तों, मैं हूं दिलीप। आपके अपने चैनल बेस्ट एग्जाम पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज मैं लाया हूं एक बहुत बड़ा अपडेट फ्रॉम द यूजीसी। यूजीसी के गाइडलाइंस के सपोर्ट में यूजीसी के सचिव ने क्या कहा और उन्होंने ये बताया कि एग्ज़ाम होना क्यों इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को MHRD जी का जो ट्वीट है वो भी दिखाऊंगा, तथा साथ ही साथ मैं बताऊंगा दोस्तों कि UGC ने जो सीटिंग अरेंजमेंट अरेंज किया है वो कैसा रहेगा और क्या क्या वहां पर आप लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। ये सब चीज़ों को मैं इन पॉइंट्स को मेंशन करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। तो आज हम दिखाते हैं लाइव आपको सचिव ने क्या कहा बेस्ट एग्जाम के साथ। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं बेस्ट एग्जाम के साथ। किसी की गाइडलाइंस का सवाल है तो गृह मंत्रालय ने बड़े स्पष्ट निर्देश दिए। इसके अलावा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसके भी बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि अंतिम वर्ष के या अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं कराई जानी चाहिए। इसके साथ यहाँ UGC की गाइडलाइन में भी ये कहा गया है कि राज्यों को इसे अडॉप्ट करना पड़ेगा, यानी कि राज्य भी अपने स्तर पे इसकी परीक्षा कराएंगे। कुछ राज्यों में ये जानकारी मिली है कि वहाँ ये अनाउंसमेंट किया गया है कि परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। तो इस आदेश आने के बाद में या UGC की जो गाइडलाइन आई है उसके परिप्रेक्ष्य में या गृह मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो निर्देश आए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में मुझे उम्मीद है कि ये सभी राज्य सरकारें जिन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया है वो अपने निर्णय के ऊपर पुनर्विचार करेंगी और वहां भी अंतिम वर्ष की या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएंगी, क्योंकि ये छात्रों के व्यापक हित में है, उनके दूरगामी हित में है, इसलिए परीक्षाओं का होना जरूरी है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया लाइव कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ हिंदुस्तान लाइव न्यूज से क्या मिला है कि COVID-19 6 राज्य विश्वविद्यालय परीक्षा कराने के खिलाफ HRD ने कहा छात्रों का मूल्यांकन अहम है। और ये आप लोग समय देख सकते हैं 9:16 13 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं और मैं इसी भी न्यूज को आप लोगों को अपडेट करने के लिए आया हूँ। तो इसमें कहा क्या गया है देखिए, COVID-19 से 6 राज्यों ने इसके खिलाफ बात उठाई है और MHRD ने क्या कहा कि COVID-19 महामारी का 6 राज्यों ने अपने विश्वविद्यालयों में अंतिम परीक्षा के परीक्षा आयोजन कराने को लेकर आपत्ति जताई है। हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि UGC द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए और विश्वविद्यालय व रोजगार अवसरों के लिए छात्रों के हित के लिए है। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो दोस्तों एग्जाम जो है वो देना आवश्यक कर दिया गया है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो पंजाब, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, दिल्ली ने COVID-19 की स्थिति के मद्देनजर परीक्षाओं को कराने से इनकार और आपत्ति जाहिर की है। मानव संसाधन विकास मंत्री के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिशा निर्देश में यह नहीं कहा गया है कि परीक्षा तत्काल कराई जानी चाहिए, परीक्षाएं सितंबर के अंत तक पूरी करानी है। इस समयावधि में जब भी व्यावसायिक रूप से इस परीक्षा कार्यक्रम पूरा कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन या फिर दोनों माध्यम से लिया जा सकता है। UGC दिशा निर्देश बाध्यकारी प्रकृति के हैं। तो अधिकारी ने कहा कि किसी भी शिक्षा प्रणाली में छात्रों का शैक्षिक मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है और वही मील का पत्थर साबित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से बोला गया है कि अगर इसके साथ UGC के अधिकारी ने कहा कि किसी भी शिक्षा प्रणाली में छात्रों का शैक्षिक मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है और परीक्षा में प्रदर्शन से विश्वास आता है, छात्रों को संतुष्टि मिलती है, इसके साथ ही साथ ये वैश्विक स्वीकार भी माना जाता है। मानव संसाधन मंत्रालय ने इस हफ्ते में शिक्षा मुलाकात कर यह निश्चय किया है कि एग्जाम होना चाहिए। देखिए दोस्तों आगे क्या कहते हैं, अधिकारी ने कहा कि UGC अधिनियम के मुताबिक आयोग के निर्देशों पर बाध्यकारी है, फिलहाल परीक्षा कराने की योजना काफ़ी हद तक अपनी जगह कायम है। देखिए साफ रूप से बोला गया है और इसमें कोई बात नहीं, दो बात नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा, अंतिम वर्ष में परीक्षा कराना जरूरी है। देखिए आप लोग अब दिखाते हैं ट्वीट क्या किया मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। COVID-19 के कारण किए जाने वाले पूर्वोपायों के साथ परीक्षाओं के आयोजन के लिए गृह मंत्रालय के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर विस्तृत मानक संचालित प्रक्रिया आयोजित की है। दोस्तों इस तरह से देखा गया कि उन्होंने भी अपना पूरी तरह से कोशिश किया कि एग्जाम ना हो, लेकिन एग्जाम होना अनिवार्य हो गया है। आगे बात करें तो स्टेट कैंसल एग्जाम फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज व्हाइल पोखरिया डिफेंडेंट द UGC एंड MHRD डिसीजन, सेवरल स्टेट्स महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, वेस्ट बंगाल रिपोर्टेड रिटर्न टू द सेंटर।
सेंटर को इन लोगों ने लेटर तो लिख दिया, देखिए वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पंजाब, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो कराना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टाइम्स ऑफ इंडिया पर अगर देखें तो देखिए दोस्तों आप लोग, ये जो अपडेट मिला है, ये मिला है मुझे आज 13 जुलाई 7:25 में, तो फाइनल एग्जामिनेशन मस्ट बी मोर फ्लेक्सिबल UGC टू यूनिवर्सिटीज़, सभी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आप लोग साफ देख सकते हैं, कैंसलेशन ऑफ फाइनल ईयर एग्जाम विल नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन सेड, स्टेटिंग दैट इट हैज गिवन एम्पल टाइम एंड ओपिनियन टू द यूनिवर्सिटीज टू। वो कहते हैं क्या कि बच्चों का जो एग्ज़ाम होने वाला है कैंडिडेट्स का, उसके खिलाफ हम लोग नहीं है, हम लोग हैं सिर्फ कि एग्ज़ाम कराना इम्पॉर्टेंट है और ये कोई बाध्यतामूलक नहीं कि आपको जुलाई में ही कराना है, आप लोगों को तो एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है, 30 सितंबर तक आप एग्ज़ाम करा सकते हैं। देखिए आगे क्या कहते हैं, द मनीष रजनीश जैन सेक्रेटरी UGC, एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड, द UGC इशूड ब्रॉडर गाइडलाइन एंड डिसीजन टू द कंडक्टिंग एग्जाम हैव टू बी टेकन बाय द यूनिवर्सिटीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग द इनफॉर्मेलिटी टर्म्स, असेसमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों कि बताया गया है कि जो टाइम है वो टाइम एक्सटेंड कर दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा, Jain added that just like the situation was revived, July had exam dates rescheduled, it may be reviewed again. वो फिर से कहते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम अभी करा लेना है, आपको टाइम दिया गया है 30 सितंबर तक का। जैन जी ने सिर्फ साफ साफ कह दिया कि आप लोग 30 तारीख तक कोई भी एग्जाम ले सकते हैं। अगर वही बात करें दोस्तों साइट की, UGC के जो साइट है उस साइट पर हम लोग डायरेक्ट, अगर लिंक मैं नीचे दे चुका हूँ, उस लिंक पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। आप लोग जैसे ही लिंक पर क्लिक कीजिएगा आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आप लोग वहाँ से नोटिस सेक्शन में जाइएगा और आप लोग वहाँ पर 8 तारीख के जो SOP नोटिस है उस नोटिस को डाउनलोड कर लीजिएगा। जी हाँ, 8 तारीख का नोटिस, तो आप लोग को 8 तारीख का नोटिस कुछ इस तरह से मिलेगा देखने को। यहाँ पर लिखा रहेगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर SOP फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जाम। इसको देखने के पर आप लोग को 3-4 पेज का एक नोटिस मिल जाएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो मैं बता रहा हूँ कि हाईली कंसर्न, सम कंसर्न, जो मेन इंपॉर्टेंट कंसर्न है बच्चों के लिए, वो सब बारे में बताया गया है। इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन एंड हेल्थ इश्यूज को लेकर के सब कुछ बता दिया गया है। तो दोस्तों इसमें ये भी बोला गया है कि अगर कोई बच्चे को ज़्यादा तकलीफ है तो उसे एक्स्ट्रा अलग रूम में एग्जाम देने का ऑप्शन दिया जाएगा। सेफ्टी मेजर इंक्लूडिंग द सैनिटाइजेशन परमिशेस, थर्मल स्क्रीनिंग, इंश्योरिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग, हैंड वॉशिंग एक्सेट्रा, हर चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा यहाँ पर बोला गया है। साथ ही साथ उन लोगों ने जो सीटिंग अरेंजमेंट अलाउ किया है वो भी दिखा दिया है। देखिए दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए इन लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट किया है कि अगर एक बच्चा बैठता है तो उसके पीछे वाला ब्रेंच खाली रहेगा, फिर एक बच्चा बैठेगा उसके पीछे वाला ब्रेंच खाली रहेगा, इस तरह से 4 कॉलम में सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है। सच कहें तो दोस्तों इन सभी न्यूज़ अपडेट से पता चलता है कि UGC एग्ज़ाम कंडक्ट करा कर ही रहने वाला है। और दोस्तों आप लोग फालतू के न्यूज़ पर विश्वास न करें, आप लोगों को हज़ारों हज़ार न्यूज़ ऐसे YouTube पर मिल जाएगा, कोई पूरे प्रूफ के साथ आपको न्यूज़ नहीं देता है दोस्तों। अगर आप लोग सही रास्ते पर नहीं चलते हैं तो आप लोग गलत पर भी मत चलिए दोस्तों। आप अपना डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपके लाइफ, आपके करियर का सवाल है। और सरकार भी यही कहता है कि अगर आप पूरी तरह से एग्ज़ाम देकर पास नहीं करते हो तो आपका सर्टिफिकेट का वैल्यू पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा। उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा मेहनत करो और पास कर लो, और अगर आप पास कर लेते हो तो यूनिवर्सिटी आपके सर्टिफिकेट को वैलिड बना देगा और वो काम के लायक होगा। तो दोस्तों बेकार के न्यूज़ के सर्च के चक्कर में आप अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, आप अपने पढ़ाई में लग जाइए। ये डिसीजन तो फाइनल हो चुका है, जबकि सीटिंग अरेंजमेंट आ चुका है तो एग्ज़ाम होना ही है। तो दोस्तों आप लोग अपने तैयारी में जुट जाइए और कोशिश कीजिए अपने एग्ज़ाम को अच्छे से देने के लिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, एंड अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ आपको अपडेट देने के लिए, अगर कोई नई न्यूज़ आती है तो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, दिस इज दिलीप शाह साइनिंग ऑफ विथ बेस्ट एग्ज़ाम। बाय बाय, टेक केयर।